Gulati Sapra, Deputy Editor at Saur Energy International. We are here at Intersolar, which is being held at Gandhinagar in Ahmedabad. This is day one. Stay tuned for more updates. With us is Ms. Sarika Bhatia. She is Director Marketing at Servotech. And meet Mr. Raman Bhatia. He is the MD at Servotech. Thank you so much for joining us. So firstly, tell us about your firm and its latest offerings. Madam, I am from Servotech Power System Limited, and myself Sarika Bhatia, director in this organization. So we people are in the solar and the EV segment. So in EV we are offering AC chargers and DC chargers, which is now in a very fast demand. So we are already supplying this type of chargers to oil marketing company and even to so many retail customers also. So, Mr. Raman, tell us, you know, there's been a big push in the EV charging in sector by Servotech. So, what is causing this push and what are your most recent achievements on this front? हम लोग अगर बात करें तो 2020 से ठीक-ठीक इस मार्केट को देखना शुरू किया है. 2004 से हम पावर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स में हैं. जैसे हम बात करें अगर तो इन्वर्टर्स, यूपीएस, बैटरीज, सर्वो स्टेबलाइजर्स एटसेट्रा. और 2014 में हम सोलर इन्वर्टर्स में भी आ गए और सोलर प्रोजेक्ट में भी आ गए. तो चार्जर्स और पावर सप्लाईज हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. तो 2020 में हमने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और हमें दिखा कि ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है. 2030 तक जिस तरीके से हिंदुस्तान गवर्नमेंट का टारगेट है लगभग 40% गाड़ियों को कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा डेवलप होने वाला है. और वैसे भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसका अपना जीडीपी बहुत बड़ा है. तो एक बहुत बड़ी मार्केट थी जिसकी अपॉर्चुनिटी को समझते हुए हमने इसमें कदम रखा और उस पर काम करना शुरू किया. और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इस एफर्ट को कस्टमर्स ने और कॉरपोरेट ने सराहा भी और हमें बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट्स मिले जिसको हमने बहुत खूबसूरती से अंजाम देना शुरू किया. इस सब को देखते हुए हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान की टॉप 3-4 कंपनियों के अंदर अगले 2 सालों में आ सकते हैं, ऐसा हमें लगता है. और हम उसके लिए काफ़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं और इसमें IIT जम्मू हमारा पार्टनर है. तो ये बताइए, आपने अभी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, आपने हाल ही में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स को विन किया है. अगर हम बात करें BPCL की, वो है, तो और भी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने टेंडर्स भी कुछ विन करे हैं, उनके बारे में प्लीज़ हमें बताइए. जैसे हमने भारत पेट्रोलियम के लिए एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट हमने लिया, और इसके अलावा अभी नायरा एक पेट्रोलियम कंपनी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लगभग 300 चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इवन उससे ज़्यादा हैं. जो अभी कंफर्मेशन है वो लगभग 300 की है. इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हैं जिनको अलग अलग पेट्रोलियम कंपनियों से ऑर्डर मिले हैं या और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ऑर्डर मिले हैं. हम उनको वाइट लेबलिंग प्रोडक्ट भी बना के दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक टेक्नोलॉजी एज तो अचीव कर ही लिया है जहाँ हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है. तो हम ऐसे लोगों को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं और हम कर भी रहे हैं. अगर मैं इन सब को कंसोलिडेट करने की कोशिश करूँ तो मेरे को ये कहते हुए बड़ी खुशी होगी कि अगले 1 साल के अंदर लगभग 5,000 पेट्रोल पंप्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर सर्वोटेक के चार्जर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंस्टॉल होंगे. ये बताइए कि सोलर और ईवी चार्जिंग का जो मेल है आपका, उसको लेकर क्या विजन है, इसके फ्यूजन में आपको क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आते हैं? इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज है डिमांड और सप्लाई के गैप को फिल करना. जैसे अगर हम आज से 5-7 साल पीछे चले जाएं तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे पावर कट्स होते थे, पावर की बहुत शॉर्टेज होती थी. इसको देखते हुए सोलर पे बहुत काम होना शुरू हुआ, सोलर टेक्नोलॉजी की वजह से एक पावर के गैप को हम कम कर पाए. लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तरफ मुड़ रहे हैं तो ये गैप दोबारा से खड़ा हो सकता है, और ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप खड़ा होगा ये काफ़ी क्रुशियल हो सकता है. इसके लिए हमने कुछ मॉडल्स अभी इंट्रोड्यूस किए हैं, इवन हम कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जहाँ पर हम पावर को स्टोर कर रहे हैं लिथियम में थ्रू सोलर, और उससे हम गाड़ियों के चार्जर गाड़ियों को चार्ज कर रहे हैं. ये अभी 100% रिप्लेसेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये इस पे काम कर रहा है जिससे कि पावर और डिमांड और सप्लाई के गैप को कुछ हद तक कम कर पाएगा
और इस पर हम बहुत सारी कंपनीज के साथ और बहुत सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ भी हमारी बात चल रही है और कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। आप एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो अगर हम इस सेक्टर में फॉरेन फर्म्स की बात करें तो आपको क्या लगता है उनकी तरफ से क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं विच यू थिंक आर विल बी प्रेजेंटेड टू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स एंड सर्वोटेक इन पर्टिकुलर? मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा गैप है अंडरस्टैंडिंग का, जिसको मैं अक्सर जब जब मुझे मौका मिलता है किसी भी फॉरम में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहने का तो मैं ज़रूर कहता हूँ, आज भी मैं कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है लोगों में और बहुत काबिल लोग यहाँ अवेलेबल हैं, बहुत काबिल कंपनियाँ यहाँ अवेलेबल हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग अपनी ताकतों को एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या होता है कि कोई भी एक सभी चीज़ों के लिए मास्टर नहीं हो पाए हो सकता। तो जब हम MSMEs की बात करते हैं तो MSMEs में क्या है कि हम लोगों की एक बैंडविड्थ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सर्वोटेक, तो सर्वोटेक की एक बैंडविड्थ है कि वो चार्जर बना सकता है या चार्जर के सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है या चार्जर की CPU का एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, वो सब कुछ नहीं कर सकता, राइट। और जब मैं चार्जर की बात करूँ तो चार्जर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं या ऐसे पार्ट्स हैं जिसको बनाने के लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी है। तो जब हम बात करते हैं कि सर्वोटेक के पास जो काबिलियत है, ऐसे ही इसके अंदर जो पार्ट लग रहे हैं वो किसी और की काबिलियत होगी जो उसको बना सकता है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर की काबिलियत किसी और की होगी। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को सिनर्जाइज नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, हर कोई अलग अलग अकेला अकेला जीतना चाह रहा है। जो मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तान से जब हम बाहर जाते हैं, जब हम चाइनीज मार्केट को देखते हैं तो मज़ा ही आता है कि वहाँ पर वो लोग आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उस कॉम्प्लीमेंट की वजह से वो बहुत तेज़ी से जीतते हैं। जिस दिन हम अपने आप को इस तरीके से कंडीशन कर लेंगे कि हम मिलके जीतने की बात करेंगे, यानी कि हम एक दूसरे को हराने की बात नहीं करेंगे, हम मिलके जीतने की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान बाय डिफ़ॉल्ट नंबर वन आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी सराउंडिंग कंट्रीज से जीत जाएंगे, इसी पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम एज अ सर्वोटेक जो हमने एक मिशन बनाया है, वो ये मिशन ये बनाया है कि हम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ IITs के साथ मिलके ये प्रूव करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की MSME कंपनीज भी और इंडियन IITs मिलके एप्पल जैसे लेवल का प्रोडक्ट चाइना जैसे प्राइसिंग पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा और कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड करा सकता है। ऐसा करना हमारा मिशन है और हम इस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है हम इसको अचीव जरूर करेंगे। सर्वोटेक ऑल्सो हैज़ 100% मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ इन हाउस, बिल्कुल आपकी अपनी खुद की फैसिलिटी है और आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके बारे में हमें बताइए। हम लोग मैडम ऑलरेडी चार्जर्स में तो काफ़ी टाइम से थे, हम लोग ये DC चार्जर्स काफ़ी बना रहे हैं, टेलीकॉम के लिए चार्जर्स हमने दिए हैं, तो चार्जर्स इज नॉट अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। तो वी आर हैविंग ऑलरेडी इन हाउस डेवलपमेंट टीम जो कि R&D प्रोडक्ट पे करती रहती है, कॉन्टिन्यूसली R&D करती रहती है, तो उस वजह से हम लोगों के लिए ये ज़्यादा इजी है कि हम इन हाउस उसके एक एक कंपोनेंट्स का अच्छी तरह टेस्ट भी कर सकते हैं। हम लोगों के पास ऑलरेडी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी है, प्लस हम लोगों ने ऑलरेडी टाटा और MG में अपना प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भेजा और इट्स ऑलमोस्ट इन द क्लोजर स्टेज जिसमें दे आर गोइंग टू गिव अस अ सर्टिफिकेशन ऑल्सो। उन लोगों ने काफ़ी सारी गाड़ियों में टेस्ट किया हम लोगों का प्रोडक्ट एंड दे सर्टिफाइड। और जैसे कि अभी सर बता भी रहे थे, तो हम लोग एक बहुत ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं जिसमें हम सोलर प्लस EV चार्जर्स का कॉन्सेप्ट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। और ये बताइए कि आपके मार्केटिंग प्लान्स क्या हैं, क्या टारगेट्स लेके आप चल रहे हैं और मार्केटिंग साइड से आप उनको कैसे अचीव करना चाहते हैं? ये मैं ऑलरेडी ही कह चुका हूँ, मैंने हालांकि ये सवाल सारिका से बनता था लेकिन फिर भी मैंने इसलिए हाथ में ले लिया कि क्योंकि मैं इसका जवाब ऑलरेडी एक बार आपको दे चुका हूँ। आई एम जस्ट रिपीटिंग, हम हिंदुस्तान की टॉप 3 से 4 कंपनीज में आना चाहते हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और पूरी लगन से लगे हुए हैं और हम जरूर आएंगे। हम लोगों की यही कोशिश है कि हम उस लेवल पे पहुंचे नेक्स्ट 2-3 इयर्स में सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।